से आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे कौन सी जो एमुलेटर है, जो लोग आजकल, आपको पता है कि पबजी बहुत से लोग खेल रहे हैं, बहुत से लोग पबजी मोबाइल के जो है उसका ट्रेंड चल गया है पबजी मोबाइल का दोस्तों, बहुत से लोग खेल रहे हैं और बहुत से लोग जो है अपने मोबाइल पे जो है सही तरह नहीं खेल सकते, जो इजी नहीं होता तो वो पीसी में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों किस तरह हम पीसी पे पबजी मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सी वीडियो बन चुकी है, मगर दोस्तों मैं ये जो आपको वीडियो बताऊंगा दोस्तों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो दोस्तों आपके पास अगर स्पेक्स नहीं है पीसी में दोस्तों, 4 GB रैम नहीं है, 8 GB रैम नहीं है, 4 GB रैम है, इस तरह अगर रैम कम है या प्रोसेसर कम है या ग्राफिक कार्ड कम है या ग्राफिक कार्ड लगा नहीं हुआ, तो दोस्तों आप किस तरह से पबजी मोबाइल चला सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, वैसे तो बहुत से एमुलेटर हैं दोस्तों, एमुलेटर होती क्या चीज़ है दोस्तों? एमुलेटर वो चीज़ होती है, अगर आप एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन या कोई गेम वगैरह, जो लोग गेमिंग खेलते हैं दोस्तों, गेमिंग खेलते हैं उन्हें तो पता है, वैसे ही अगर जो न्यू पबजी इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों उसे नहीं पता, तो दोस्तों उसके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग एमुलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से APK फाइल अगर आपने डाउनलोड की हुई है, मोबाइल में डाउनलोड की हुई है या किसी और पीसी में या किसी और से लाई है, तो वो किस तरह से आपको इस टेंसेंट एमुलेटर, जो कौन सा एमुलेटर है दोस्तों, उसमें किस तरह से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ जाते हैं एमुलेटर पे। एमुलेटर दोस्तों एंड्रॉयड की गेम अगर इंस्टॉल करनी हो आपको पीसी में दोस्तों, पीसी में चलानी हो, तो हम एमुलेटर डाल देते हैं दोस्तों पीसी में। पीसी में एमुलेटर डाल के दोस्तों जो है वो हम एक एक आप कह सकते हैं दोस्तों, एक लेआउट दे दोस्तों, हम कह सकते हैं एक आपको जो है सेटअप दे देता है कि जिस तरह से आप लोग पीसी की जो मोबाइल की गेम्स होती हैं दोस्तों, आप लोग पीसी पे खेल सकते हैं, वो इजी आप लोग, कुछ लोगों को इजी होता है दोस्तों मोबाइल की गेम्स जो है पीसी पे खेलना दोस्तों, मोबाइल पे मुश्किल होता है तो वो पीसी पे खेलते हैं, पीसी पे थोड़ा इजी हो जाता है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है जो मैं आपको, बहुत से एमुलेटर हैं जिस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि नॉक्स प्लेयर है, ब्लू स्टैक बहुत अच्छा एमुलेटर है, मगर दोस्तों वो जो है आपके लिए 8 GB रैम मांगता है। अगर आप पबजी मोबाइल इंस्टॉल करेंगे तो आपकी 8 GB रैम नहीं है तो दोस्तों आपकी गेम बहुत लैग करेगी, फायदा नहीं है खेलने का दोस्तों। इसी तरह दोस्तों LD प्लेयर है, इसी तरह मेमो है दोस्तों, ये एमुलेटर्स हैं दोस्तों, और भी बहुत अच्छे अच्छे एमुलेटर हैं, मगर दोस्तों आज हम जो पबजी मोबाइल के लिए यूज़ करेंगे दोस्तों वो है टेंसेंट गेमिंग बडी। दोस्तों सबसे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है दोस्तों। गूगल क्रोम ओपन करके ये देखें, एक साइट मैंने ओपन की हुई है, ये टेंसेंट गेमिंग बडी के नाम से दोस्तों ये साइट है दोस्तों, इसका ये पबजी डाटा HTML है दोस्तों, यहाँ पब्लिक बीटा है और वितनेम है। वितनेम के आप छोड़ के दोस्तों पब्लिक बीटा पे डाउनलोड करें, क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। यहाँ से डाउनलोड किया दोस्तों, 8 MB का सेटअप है, थोड़ा सा टाइम लेगा और डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से इंस्टॉल करना है दोस्तों और ये हमारे पास आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टेंसेंट गेमिंग बडी का नाम से। ये आ गया दोस्तों, ये हमारे पास माई गेमिंग आ गई दोस्तों, माई गेम आ गया ये, और बाकी लॉगिन आ गया, गेम सेंटर आ गया दोस्तों, ये चार पांच चीज़ें हमारे पास आ गई दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मैंने गेमिंग बडी डाली हुई है दोस्तों, पबजी मोबाइल डाली हुई है दोस्तों। अब आप तो दोस्तों ज़रूरी बात यह है दोस्तों, अगर आपके पास APK फाइल पड़ी है तो दोस्तों आप टेंसेंट में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं उस APK फाइल को दोस्तों? वैसे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजिली, गेम सेंटर में जाके पबजी मोबाइल लेके तो वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास APK पड़ी है, आप दोबारा डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो टेंसेंट में आप लोग किस तरह से चला सकते हैं दोस्तों, ये मेन पॉइंट है इस वीडियो का दोस्तों, इसीलिए मैंने बनाया। वैसे तो बहुत से लोगों को पता होता है दोस्तों, आप वीडियो देखें दोस्तों आपको पता चले आप किस तरह से टेंसेंट में दोस्तों आप लोग अपनी जो है गेम APK फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी गेम है, अगर कोई पबजी खेल रहा है तो दोस्तों बेस्ट है, अगर कोई और गेम मोबाइल की खेल रहा है दोस्तों, इंस्टॉल करना चाहता है, उसके पास APK पड़ी है, आपको पता है 1 GB 2 GB की गेम बार बार इंस्टॉल नहीं कर सकते, खासकर पाकिस्तान में और इंडिया में जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम ही है दोस्तों, इसलिए वजह से दोस्तों आपको APK किस तरह इंस्टॉल करना है दोस्तों। APK फाइल दोस्तों हमें इंस्टॉल करने के लिए, APK फाइल दोस्तों हमें फाइल इंस्टॉल करने के लिए सेटिंग में जाने, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश है, यहाँ से आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, इंग्लिश से हटा के चाइनीज है ऊपर, इसे कर देना है, यहाँ से सेव किया दोस्तों। APK फाइल दोस्तों हमें यहाँ से क्लोज कर देना है ऐसे टेंसेंट को, और यहाँ से भी क्लोज करना है ऐसे, नोटिफिकेशन से भी क्वाइट किया दोस्तों, फिर दोबारा से उसे ओपन किया। पहले आपने देखा है हमारे पास APK फाइल इंस्टॉल करने के लिए कोई भी ऑप्शन सामने नहीं आ रहा था, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले हमारे पास सिर्फ तीन ऑप्शन थे, एक गेम सिंक सेंटर था, एक माई गेम था और ऊपर लॉगिन था दोस्तों। अब हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ गए हैं, यहाँ 5-6 ऑप्शन आ गए हैं दोस्तों, वहां अपने माई गेम पे जाने, जैसे ही हम माई गेम पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेटअप ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4 चीजें आ गई हैं, ये यहाँ से प्ले मोबाइल का आ गया और यहाँ से प्लस का, ये प्लस का जो निशान आया ऊपर चाइनीज लगी, आपको चाइनीज समझ नहीं आएगी, मगर प्लस के निशान से आपको पता चल जाएगा, ये प्लस के निशान पे क्लिक करना है आपने,
और दोस्तों यहाँ जाके आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, जिस तरह देखें ये फेसबुक है, मैंने फेसबुक है एपीके फाइल डाउनलोड की हुई है, इस तरह इंस्टा की हुई है, व्हाट्सएप की हुई है। अगर मैं जो भी चीज़ें यहाँ इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ये गेमिंग बडी दोस्तों ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है इसमें पबजी दोस्तों, ये डाल सकता हूँ। व्हाट्सएप का इस तरह ओपन करूंगा तो ये एपीके फाइल दोस्तों हमारे पास इंस्टॉल होने लग जाएगी यहाँ, और माई गेमिंग सेक्टर में एपीके आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेगी, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 4 मिनट लगेगी, जितनी एप्लीकेशन आपकी जितनी जीबी की होगी उस हिसाब से इंस्टॉलेशन पे आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेती है दोस्तों। वहाँ पे आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, ये देखिए हमारे पास अब आ गया है दोस्तों, ये इंस्टॉलिंग वाला ऑप्शन आ गया थर्ड नंबर पे, आप देख सकते हैं ये देखिए ये इंस्टॉल हो रही है, नीचे 1% हो गई है, आगे हो रही है दोस्तों, ये 1% का निशान आ गया, 43 KB, 160 KB/s दोस्तों ये आ रहा है हमारे पास, वो व्हाट्सएप का ऊपर निशान भी आ गया, व्हाट्सएप में इंस्टॉल कर रहा था बेसिकली। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, यहाँ इंस्टॉल हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद मेन बात है, अब हम इधर से पबजी मोबाइल ओपन करते हैं दोस्तों, हम लैंग्वेज चेंज कर दे, पहले लैंग्वेज चेंज करनी है। ये 3 डॉट आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, 3 लाइनें बनी हुई दोस्तों, ये मिनिमाइज के साथ दोस्तों ऊपर जहाँ से क्रॉस बनाया है वहाँ मिनिमाइज लिखा है, मिनिमाइज के साथ बटन है उस पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ जाके तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, तीसरे नंबर पर क्लिक की ये देखें ये लास्ट में ऑप्शन आ गया, इसे यहाँ जाके इंग्लिश पे कर देना है और सेव कर देना है, ये सेव हो गई। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी तक जो है जो सेटअप है जो है वो लैंग्वेज चेंज हुई। लैंग्वेज चेंज करने के लिए दोस्तों आपको गेमिंग बडी कैंसिल, गेमिंग बडी कैंसिल करना पड़ेगा, इसे स्टॉप करना पड़ेगा, इसे यहाँ से स्टॉप कर दें छोड़ें। मैंने सिर्फ आपको बताया व्हाट्सएप मुझे इंस्टॉल नहीं करना था, कि किस तरह से आप एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कोशिश किया दोस्तों दोबारा से यहाँ इसे ओपन करना है तो आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये कंट्रोल इंजन पे क्लिक किया दोस्तों, ये देख सकते हैं डायरेक्ट एक्स है, ओपन जीएस है, या स्मार्ट मोड है। स्मार्ट मोड जो है दोस्तों ठीक है, यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो ऑटो पे है, प्रोसेसर ऑटो पे है, सब कुछ ऑटो पे है, रेजोल्यूशन ऑटो पे है, सारा कुछ डायरेक्ट ये सेट कर देते हैं, आप स्मार्ट मोड पे छोड़ दें ना, इसे डायरेक्ट एक्स पे करें ना जो ओपन जीएलएक्स पे करें या डायरेक्ट एक्स पे, इन दोनों पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये है सेटिंग उसे छोड़ दें। बेसिकली यहाँ आपको प्ले पे प्ले प्ले पे क्लिक करना है, यहाँ जो है इंस्टॉलेशन हो रही है थोड़ी, इसे प्ले कर देना है दोस्तों, ये प्ले होगी हमारे पास। यहाँ देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का एक ये देखें दोस्तों हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस पे टेंशन गेमिंग बॉडी में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। बाकी और कोई काम है या यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन की ये फुल F11 टू एग्जिट भी हो जाती है स्क्रीन और दोस्तों ओपन भी हो जाती है। ये हमारी पबजी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, अब हमारे पास रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से बेसिकली हमें करना क्या है, देखें ये लेवल लेवल है हमारे पास, लेवल 39 है, सेटिंग्स हमारे पास आ गई, सेटिंग्स में जाके ये देखें भाई की आवाज़ भी आ रही है आपको, यहाँ से हम जो है ना स्पीकर ऑफ करते हैं, स्पीकर ऑफ करके
सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाके हमारे पास सेंसिटिविटी जा आ जाते हैं ना, यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी की सेंसिटिविटी रखते हैं, ये कस्टमाइज है, आप हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, जो आपका दिल है वो कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है या कुछ है तो आप लोगों को ग्राफिक में जाना है। यहाँ ग्राफिक की सेटिंग्स होंगी दोस्तों, यहाँ मेरी मीडियम है, आप लो कर दें, लो पे भी इतना फर्क नहीं पड़ता, आप लो करके ओके कर दें। यहाँ से लो करके आपके जो जितने भी फ्रेम लेक्चर लेक्चर्स हैं तो थोड़ा सा ग्राफिक लो हो जाएंगे, मगर इतना फर्क नहीं, समझ नहीं आते। उसके अलावा अपनी मर्जी से आप लोग खेल सकते हैं, जो भी आपका जो सिस्टम अच्छा सिस्टम है तो आप ग्राफिक हाई रख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, अपनी मर्जी के रख सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से गेम लगा के स्टार्ट कर दें दोस्तों। जैसे ही अब आप देख सकते हैं कि मुझे मैसेज आया, नीचे नोटिफिकेशन आ गई, यहाँ से आप लोग मैसेज इनवाइट वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बटन हाइड एंड पीक वाला बटन ऑन कर सकते हैं, अगर और कोई काम है इस तरह से दोस्तों। गेम फ्रेंड्स हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे पास गेम फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं, रिक्वेस्ट लिस्ट देख सकते हैं आप दोस्तों। अभी मेरे पास यहाँ कोई लिस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट में कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, ब्लॉक लिस्ट भी, आप किसी को ब्लॉक भी कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अनफ्रेंड भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी हिसाब से दोस्तों, जिस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास थ्री मैसेज आए हुए हैं, थ्री मैसेजेस फ्रॉम फ्रेंड्स दोस्तों, तीन मैसेज दोस्तों के आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ से हम ऑन करेंगे मैसेजेस, ये नीचे दोस्तों ये जो तीन ऑप्शन होते हैं ये अपनी टीम के लिए होते हैं, आप अपनी टीम को कोई मैसेज करना चाहते हैं या चार बंदे होते हैं दोस्तों उनके कर सकते हैं। उसके अलावा ये दो तीन ऑप्शन हमारे साथ नीचे आ गए दोस्तों, ये तीन चार ऑप्शन है दोस्तों। फिर ये देखिए भाई के जो मुझे मैसेजेस आए हैं दोस्तों, ये ऊपर आ गए, चार मैसेजेस भाई के आए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इस तरह आ गया दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, इस हिसाब से दोस्तों आप लोग अपनी टीम की मैचिंग कर सकते हैं, सोलो खेल सकते हैं, ड्यू खेल सकते हैं या स्क्वाड खेल सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्जी है दोस्तों। अच्छी गेम है दोस्तों, आपको मैंने सारी सेटिंग्स बता दी है दोस्तों। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, आप जिस तरह ये पबजी मोबाइल है हमारे पास, तो अगर दोस्तों आपको पबजी जो है पीसी का वर्जन चाहिए हो दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करें दोस्तों, आपको मैं पीसी का वर्जन भी दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। वस्सलाम, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, शुक्रिया।